द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डाक टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। महाराजगंज जिले के सदर तहसील स्थित पकड़ी नौनिया ग्राम कांध में कई दिनों से बंदर का आतंक जारी है। बंदर ने कई दिन से कम 20 से ज्यादा लोगों को काट चुका है। बंदर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह पागल बंदर पिछले 10 दिनों से लोगों को अपना शिकार बना रहा है और अब तक 21 लोगों को काटकर घायल कर चुका है। बुधवार को सुबह जब इस बंदर ने घर में काम कर रहे एक युवक के पैर में काटकर उसे लहूलुहान कर दिया, ग्रामवासियों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। हाथ में लाठी लेकर बच्चे बूढ़े सहित सैकड़ों लोगों ने रामनगर चौराहे पर फरिंदा से महाराजगंज वाली मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जाम को देखते कई घंटों हो गए, फिर भी पुलिस प्रशासन का आता पता नहीं चला। कई घंटों के बाद नजदीकी पुलिस चौकी पकड़ी नौनिया के कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, जिनको देखकर ग्रामीणों में और आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसओ सर्वेश सिंह व सीओ सदर देवेंद्र सिंह ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। उनका कहना था कि जब तक बंदर नहीं पकड़ा जाता तब तक वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लगभग 3 घंटे तक यह जाम लगा रहा। जब वन विभाग की टीम ने पागल बंदर को पकड़ने के लिए ग्रामीणों से कहा कि कोशिश कुछ ही देर में की जाएगी, तब कहीं जाकर नगरवासियों का गुस्सा शांत हुआ। बंदर की वजह से महिलाओं और बच्चों को घर से निकलना मुश्किल है और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के आला अधिकारी बहुत ही जल्दी बंदर को पकड़वाने की बात कर रहे हैं। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए महाराजगंज से हरिशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। घुस दे लमचन, हो जाए सही हो जाए। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।